तो गाइज अभी हमारे यहाँ का सब काम डन हो गया है फाइनली। अब जा होने जा रहा है टेक्सचर का काम, तो टेक्सचर वाले भी आ गए हैं। तो देखो ड्रेसिंग ये कलर अच्छे लग रहे हैं ना, ये सामने भी पिंक। तो गाइस जैसा कि आपने देखा है कि पूरा काम हो चुका है कलर का, मैंने सभी का और बेड का भी हो गया। देखो इधर गद्दे भी आ गए और ये आके सो भी गए, और इधर आके ये भी लग गया। अभी इसकी फिटिंग अच्छे से नहीं हुई होगी, अभी कल करेंगे सब फिटिंग वगैरह अभी। और यहाँ पे पूरा वॉलपेपर लगेगा, ये वॉल भी, ये ऊपर से लेके पूरा साइड तक सब जगह वॉलपेपर फिट होगा। और पूजा की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है, पंडित जी आ गए हैं, सब तैयारी करना शुरू कर दी है पंडित जी अपनी, जो भी कुछ उनका होता है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है वेदी बनाने में और डेकोरेशन वगैरह जो होते हैं पूजा पाठ के। पंडित जी वैसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो पंडित जी अपने काम में लग गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी उन्होंने कैसे चौकी सजाई है, और बहुत ही प्यारी लग रही है चौकी। और मैं आपको दिखाती हूँ सामने से भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कलर, पिंक पिंक बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ है और आज से स्टार्ट हो जा रहा है फंक्शन, मतलब आज से रात तैयारी शुरू, बाकी मेन कल से स्टार्ट होगा। कल से पूजा बैठ जाएगी, कल 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और पूजे पे मम्मी पापा बैठ रहे हैं। तो बस ये सब था, और मैं आप लोग को बता ही नहीं थी, मैं चली गई थी फिर से मेरे ससुराल, आज मैं आई हूँ, कुछ काम था मुझे इसकी वजह से मैं गई थी, तो फिर से मैं रिटर्न आ गई हूँ। और अब फंक्शन के बाद मैं जाऊँगी, और 3/4 को दिवाली भी है, तो उसकी भी सारी प्रिपरेशन करनी है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, और हमारे घर की भी साफ़ सफाई भी नहीं हुई है, यहाँ की तो हो गई है, हमारे यहाँ के ससुराल की नहीं हुई है। और मेरी सासू मम्मी जी गाँव गई हैं, तो अभी हमें सब वहाँ पे भी तैयारी करनी है। मम्मी होती तो कुछ टेंशन नहीं था, फिर वो सब प्रिपरेशन वगैरह तैयारी कर लेती वहाँ पे, तो दिक्कत नहीं था। बट अभी मम्मी नहीं है, तो सारी तैयारी मुझे ही सब करनी है। तो देखूँगी यहाँ से जाऊँगी तो जो भी रहेगा सब कर लूँगी। वैसे मैंने इनको बोल के रखा है जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें कुछ रहेंगी, अगर आप कर सकते तो आप कर लेना, बट देखती हूँ, मुझे नहीं लगता है सब इनके बस की बात है। वैसे तो कर लेते हैं ये, बट देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं क्या कुछ नहीं। और यहाँ पर देख लो, ये लाइट पूरा फिट किया गया था अंदर अंदर, तो लाइट अभी निकल गई, वो भी अच्छे से फिट नहीं हुई। और यहाँ पे आज ही वॉलपेपर लग गया था, बट प्रॉब्लम ये था यहाँ पे पीओपी लगाया गया है, और ये पीओपी अभी पूरी तरीके से गीला है, जब ये सूख जाएगा ना तब यहाँ पे वॉलपेपर फिट हो जाएगा। और आज मेरे गांव से मेरे नाना जी और मेरे दादाजी भी आए हैं, मैं आप लोग को उनसे भी मिलवाऊँगी। और अभी लोग गए हैं ऊपर खाना खाने के लिए, तो ज्योति भी आ गई है, ज्योति और बड़ी वाली भाभी दोनों लगी हैं खाना के काम में, खाना वाना बना रही हैं। और यहाँ पे बाबू सोया था, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, यहाँ पे अकेले मैं बैठी हूँ और ये सो रहा है। तो अब मैं देखती हूँ जाती हूँ ऊपर कि ऊपर क्या चल रहा है, बच्चे भी हैं सब परेशान कर रहे होंगे एक साथ वहाँ पे। मम्मी बाहर पंडित जी के पास है, सब कुछ जो भी पंडित जी को ज़रूरत पड़ रही है वो मांग रहे, मम्मी तो वो सब दे रही हैं। तो अब मैं देखती हूँ यहाँ पर, मैं पिलो साइड साइड में लगा के मैं जाती हूँ ऊपर। तो चलो मैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद मिलूंगी, और आपको मैं अपने नाना जी और अपने दादाजी से भी मिलाऊंगी। यहाँ पे पंडित जी अपनी पूरी तैयारी में लग गए थे, और चौकी बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल से वो बहुत अच्छे तरीके से, क्या तो इसको बोलते हैं नवग्रह, और भी बहुत कुछ चीज़ें जो बनाई जाती हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था डेकोरेशन। और हमारे यहाँ जितने भी दिन, 3 दिन पूजो, 3 दिन बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई। और ये वाले पंडित जी ने तो फूलों से बहुत ही अच्छी सजावट की थी। पैसे नहीं निकल रहे इसमें से, बहुत मुश्किल से निकल रहे पैसे, देखते हैं कितने कॉइन मिलते हैं। अब मैं आप लोग को दिखा दे कितने निकले हैं, जल्दी जल्दी निकलो, देखो काकू के अंदर से पैसे आ रहे, गाय माता पैसे दे रही हैं।
और यहाँ पे पंडित जी लोग आ चुके थे और उन्होंने सब अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और सच में इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आप लोग से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वो 3 दिन हमारे लिए इतना मतलब स्पेशल था, हर दिन बहुत अच्छा फील होता था। और पंडित जी लोग सब अपनी तैयारी में लगे थे। यहाँ पे बाबू मम्मी के पास बैठा था और पंडित जी मुल्तानी मिट्टी से शिवलिंग बना रहे थे और पंडित जी फूल कट कर रहे थे। फूल से काफ़ी अच्छा डेकोरेशन करते हैं, वो मैं आपको ये ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरे नाना जी और दादाजी बैठे हुए हैं, जो पीच कलर का कुर्ता पहने वो मेरे दादाजी हैं, जो शर्ट पहने वो मेरे नाना जी हैं। नीचे पूजा स्टार्ट हो गई, मैंने आपको जैसे दिखाया कि और मैं नहा के डुकू का क्लास चालू हो गया था, तो फटाफट मैं क्लास कराने लगी क्योंकि उसकी क्लास का लेट हो रहा था। उसको मैंने अभी जस्ट ट्यूशन भेज दिया और अब मैं फटाक से चेंज करने जा रही हूँ। और अभी मैंने नहा के बस यही कपड़े पहन लिया था ऐसे ही, तो अब मैं चेंज करी वरना मम्मी मेरी में इतना चिल्लाएंगी ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं घाई घाई मैं यहाँ पे मैं अपने सूटकेस खोल के कपड़े फटाक से डिसाइड करती हूँ कि मैं क्या पहनती हूँ, देखती हूँ क्या पहनूंगी। तो चलो अब मैं आप लोग से फिलहाल बाद में बात करूंगी। पूजा बाहर स्टार्ट हो गई है और कितना अच्छा लग रहा है, सच में बड़ी खुशी मिल रही है यार। और काफ़ी टाइम के बाद फिलहाल ऐसी पूजा हमारे घर पे हो रही है और मतलब पापा की काफ़ी दिन से मन्नत थी इस चीज़ को लेके। और देखो पीछे ड्रेसिंग, अभी इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है और मैं दिख रही हूँ पीछे से, ये देखो कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। और ये काफ़ी पुराना ड्रेस है, काफ़ी टाइम से मैं नहीं पहनी थी तो अभी मैं पहन ली, ये देखो। और इसका दुपट्टा काफ़ी है, अभी तो मुझे लेने को ये दुपट्टा नहीं जमता बट फिर भी मैंने वेयर कर लिया। और आज फर्स्ट डे है पूजा का, ये पूजा 3 दिन चलेगी, 1 तारीख को लास्ट पूजा है, हवन गृह प्रवेश और मतलब भंडारे का आयोजन किया गया है।
तो ये सब है और पूजा स्टार्ट हो गई है। आप लोग को कैसा लग रहा है पूजा देख के प्लीज़ बताना ज़रूर। वैसे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी लेट नीचे पहुंची हूँ और मैंने आपको जैसे दिखाया था पंडित जी कल से ही आ गए थे, सारी तैयारी में लग गए थे और कुछ तैयारी वो सुबह से आ गए थे, तीनों पंडित जी कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और यही सब है, जो भी जैसा भी होता रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलो अब मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ। अब ये शाम के टाइम का था जब पंडित जी फूल से रंगोली बना रहे थे और ये पूजा पूरे दिन चलती है, कंटिन्यू 3 दिन चली थी। और ये पूजा कौन सी पूजा है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे पंडित जी रंगोली बना रहे थे और सच में इतना अच्छा बनाते कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। और हर दिन तीनों दिन अलग अलग रंगोली बनी थी फूलों से। और ये पंडित जी गाने में भी भजन भी इनके बहुत अच्छे होते, जैसे कि आपने कुछ सुना भी, आरती गाएंगे आप वो सुनना, इतना मतलब हमें अच्छा लगा कि हम क्या बताएं, हमें तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और पंडित जी की आवाज़ में जो बात है ना कि क्या ही बताएं। Oh,
सो गाइस, बस मैं आज का अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करूँगी और यहाँ से मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी सब पूजा जो भी सब कुछ थी पूजा वगैरह हो गई है, आरती भी हो गया, सब कुछ मैंने आपको दिखाई। आप लोग को कैसा लगा हमारे घर की पूजा? वैसे हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया। पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से आरती भी की। और बस अब आज का ये ब्लॉग यहाँ एंड करूँगी, वरना ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब मैं कल से अपना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, और कल भी पूजा है, कल क्या कैसे रहेगी वो सब भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। सो चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।